संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में और जिस तरह से मेरी मां के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूं। आपकी वजह से मैं कहती हूं कि जो अम्मा के पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी वो 25-30 साल पूरी हो गई और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से और सारे जो महानुभावों यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ, मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। और मैं समझती हूँ कि पितृपक्ष के समय में मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ मेरी माँ के लिए और मेरे फादर के लिए। आज ये प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे मेरा मन भर रहा है कि पितृपक्ष में मैंने मेरी माँ की सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनकी याद करी ऐसे समय में, और उनकी ही प्रेरणा से जो मैंने निश्चय लिया, मैं आप सबको आज प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे साथ रहोगे इस निर्णय में। कठिन निर्णय था, पर 4 कोरोना के बाद 21 साल की हूँ नहीं, समय आता है नए लोगों को आने के लिए, समय आता है नई पीढ़ी को आने के लिए, और अगर अम्मा ने राह दिखाई तो मेरा भी कर्तव्य है राह दिखाने के लिए। मैं सबको शिवपुरी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहे, मेरे सारी चुनौतियों में साथ रहे, और आज भी मेरे निर्णय के साथ आप भी मेरा साथ दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भारत, जय हिंद।